जनपद पानीपत का समारथा विधानसभा क्षेत्र लगभग दो दशक से प्रदेश की मानसिकता के मिजाज के खिलाफ विधायकों को निर्वाचित करने का काम करता आ रहा है। हरि सिंह नलवा से लेकर धर्म सिंह छोकर और रविंद्र मछरोली ऐसे विधायक हैं जिन्हें सत्ता की लहर के मिजाज के खिलाफ लोगों ने चुना, लेकिन इस बार समारथा विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि जनता में भाजपा के पक्ष में ज्यादातर लोगों का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा टिकट लेने वालों की सूची भी लंबी होती जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से रविंद्र मछरोली, शशिकांत कौशिक, हरि सिंह नलवा के पुत्र विनय नलवा, कृष्ण छोकर, विधु रावल जैसे कार्यकर्ता हैं। वहीं कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर व संजय छोकर के प्रमुख नाम हैं, जिनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जाता है। हालांकि LSP के भरत सिंह छोकर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार राजकुमार सैनी के निशान से वे फतह कर जाएंगे, लेकिन तेज गति से बनते समीकरणों के मुताबिक कांग्रेस में भाजपा का आमने सामना का मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का यह मानना है कि सत्ता वाले मिजाज में आज भी भाजपा उपरैल पायदान पर है। ऐसे में आवाम के मिजाज के खिलाफ जनप्रतिनिधि के निर्वाचन करने से अमूमन हल्के के विकास प्रभावित होते हैं, इसलिए समारथा की जनता इस बार बड़ी सावधानी से मतदान करने वाली है। लगभग हर गली और चौक में इस बार का मतदाता जात पात के समीकरणों को बिसरा कर विकास करने वाली पार्टी को वोट देने की मानसिकता बना रहा है। ऐसे में जनता इस बार बड़ी सावधानी से मतदान करने वाली है। इस बार का बजट जात पात के समीकरण की बजाय विकास करने वाली को वोट देने की मानसिकता बना रहा है। ऐसे में जबकि भाजपा लोगों के दिल में अपनी पैठ बनाती दिख रही है, ऐसे में 2019 का विधानसभा चुनाव परंपराओं को तोड़ कर नई परंपरा का इजाद कर सकता है, और जाहिर तौर पर ऐसा विधायक चुनकर आने वाला है जो सीधे सरकार बनाने में सक्षम भूमिका निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।